बच्चों में बहरेपन से कैसे बचाएं, हाउ टू प्रिवेंट योर किड्स द डेफनेस। यस दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नर्स राइनोप्लास्टी सेंटर जयपुर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, बहरापन एक अभिशाप है एंड अगर हमारे बच्चे में है तो और अभिशाप है। बहुत बुरा लगता है, बहुत झेलना पड़ता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जिनके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको ये पता लगता है कि जिंदगी भर आप सुन नहीं सकते। बहुत बुरा लगता है इमोशनली एंड सो कैसे इस चीज से बचा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, बहुत बार ऐसी चीजें हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप समय पे अगर सतर्क हो जाते हैं, समय पे अगर आप जाग जाते हैं, तो आप अपने बच्चे को बहरेपन से बचा सकते हैं। रियली ये फैक्ट है। जो हमारे लाखों बच्चे जो आज बहरे हैं, वो अगर उनके माता पिता अगर समय पे जागते तो वो बहरेपन से बच सकते थे। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि सबसे पहले बहरापन जो है वो हमें डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। कि डायग्नोसिस जब तक अगर नहीं होगा और डायग्नोसिस टाइम पे हुआ है और उचित समय पे उसका उचित जो है इंटरवेंशन अगर कर लिया गया, तो आपका बच्चा बहरेपन से बच सकता है। हम बात करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से ये चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। दोस्तों, अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश के अंदर जो है रूरल एरियाज के अंदर या जैसे गायनिंग में जब बच्चा जब जन्म लेता है, जब एक गायनोकोलॉजिस्ट जब बच्चे की डिलीवरी कराता है, डिलीवरी के बाद में क्या होता है, जब बच्चे को हमें हैंड ओवर करता है तो हम खुशी में इतने पागल हो जाते हैं, या तो लड़का हुआ है या लड़की हुई है, हम बहुत पागल हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या बेसिक वो चीजें हैं जिससे बच्चे को तुरंत जो है हमें उसके जांच के लिए जरूरी है। जब एक नवजात का जन्म होता है तो दोस्तों सबसे मेन चीज है उसका हियरिंग स्क्रीनिंग कराना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उसका हियरिंग स्क्रीनिंग एक OAE टेस्ट, आप एक कंप्यूटराइज टेस्ट होता है जो बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 1800 रुपए का टेस्ट होता है एंड विद इन 5 मिनट्स, जैसे वो 24 घंटे बाद, आज बच्चा जन्म लिया है तो उसके 24 घंटे बाद वो टेस्ट कराना। आपने एक शपथ लेना है कि मेरे को उस बच्चे का टेस्ट कराना है, खुद का भी, जो मेरे रिलेटिव है उनको भी बोलना है कि इसका OAE टेस्ट कराओ। दोस्तों, उससे क्या फायदा है कि आपको जो न्यूबॉर्न है, नवजात है, उसकी हियरिंग स्क्रीनिंग ये पता लग जाता है कि इसका हियरिंग जो सिस्टम है वो सही है या गड़बड़ है। अगर सही है दैट्स परफेक्ट, अगर गड़बड़ है तो दोस्तों उसी टाइम पे हमें ये पता लग जाता है कि आगे हमें क्या करना है। उसका एडवांटेज ये होता है कि एक कच्चा जो दिमाग है उस टाइम पे जो भगवान ने जो हमारा सिस्टम बनाया है वो बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट सही बनाया है। अगर उसमें कुछ भी हम करते हैं तो उसको सिखाना करना बहुत ईजी है। इसके बाद में दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होता है, 2.5-3 साल का होता है, जब उसको बहुत बार आपने किसी कारण से उसका OAE टेस्ट नहीं कराया है एंड आपको लग रहा है कि दूसरे बच्चों जितना ये बोल नहीं रहा, तो दोस्तों 99% उस बच्चे को हियरिंग में प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या है, हमारा दिल नहीं मांगता। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, कहते नहीं डॉक्टर साहब इसको बोलते हैं ये बोल लेके आ लेके आता है। अरे दोस्तों, उसका विजन सही है, उसका आई सेंस काम कर रहा है, इसलिए वो बोल लेके आ रहा है। तो आपको उसका, अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो 99% वो जो है वो सुन नहीं पा रहा, वो वही बोलता है जो उसके मन में आता है, लेकिन वो नहीं बोलता कि आप क्या बुलवाना चाहते हैं। इसलिए क्या है, उस बच्चे का तुरंत हमें क्या है कि एक OAE और एक बहरा यानी एक टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज टेस्ट, वो भी कोई बहुत महंगा नहीं होता, 2-2.5 हजार रुपए का एक टेस्ट होता है। उससे हमें पता लग जाता है कि इसके कान की जो हमारी नाड़ी है उसके अंदर जो है जितने हमारे जो फाइबर है उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, उसका क्या है, उचित समय पर अगर इलाज कराते हैं तो वो भी इलाज हो सकता है, उसका कोक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, उसको हियरिंग एड लगा सकते हो एंड इसके ऊपर दोस्तों 5-6 साल पे चलते हैं, बच्चा को सुनाई कम देता है तो एक कॉमन कारण उसमें बच्चों में कान के जो है कैनाल में वैक्स का है। हम रूटीन ENT चेकअप कराते ही नहीं है, इंडिया में है ही नहीं सिस्टम। हम तो जो माथे पे कोई बात पड़ जाती है जब भी हम डॉक्टर के पास जा पाते हैं, ये सबका यही हाल है दोस्तों। लेकिन आपने जो बच्चा है 4-5 साल का है, 6 साल का है, उसका एक हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट एंड उसका एक ऑटो एंडोस्कोपी होना चाहिए। सिंपल है, दूरबीन से उसको क्या है कान के पर्दे को देख लिया जाता है। बहुत बार बच्चे का कान बिल्कुल जाम होता है, हम उसको डांटते हैं ये तो टीवी की आवाज बहुत तेज करता है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो लैक ऑफ अटेंशन है, ये पढ़ाई में ध्यान दे, अरे टीचर बोल रहा है उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो कभी आप ENT के डॉक्टर को दिखा हुआ
जाके उसको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होते हैं ईयर वैक्स दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार बच्चे जो है वो कान तो सिस्टम ठीक होता है, लेकिन अगर वो साथ में आपका माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, उसको जो है वो गले के अंदर जो है एडिनोइड टॉन्सिल बड़े हुए हैं, उसके कारण भी हमारा कान का पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा होता है, जिसको हम ग्लू ईयर कहते हैं, एंड वो धीरे धीरे कान का जो है वो उसको पर्दे को क्रम्पल्ड कर देता है, चिपका देता है, और उसमें वाइब्रेशन नहीं होता, तो भी हमें डिक्रीज हियरिंग होती है। सो दोस्तों ये कारण है नवजात के, इन्फेंट के, पीडियाट्रिक के अंदर जो बच्चे हैं जिनसे हमें स्वयं सुनाई कम देता है। एंड उचित समय पे दोस्तों अगर हम उचित इंटरवेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आई अश्योर यू आप उस बच्चे को बहरेपन से बचा सकते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन बहुत भयानक टेरिबल प्रॉब्लम है सुनाई नहीं देना, जो जिसका कोई बाद में ट्रीटमेंट नहीं है। सो आप अपनी जागरूकता के कारण दोस्तों हमने आज एक कसम खानी है कि मेरे को खुद का बच्चा, मेरे रिलेटिव का, कम से कम 10 बच्चों का वही स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है, जिससे हमें बहरेपन की समस्या से बचा जा सकता है। थैंक यू।